What's up guys, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं विंटर सर्वाइवल सिमुलेटर। इस गेम में हमें एक ऐसी जगह सर्वाइव करना है जो पूरी तरह से कवर है स्नो से, और वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनसे बचना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी गेम को। अपनी गेम स्टार्ट हो चुकी है और आई थिंक हम किसी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पीछे कोई पड़ा हुआ है और हम भाग रहे हैं बहुत तेज, और एकदम एंड पे आ चुके हैं माउंटेन के। और पीछे कोई है आई थिंक, और पीछे कोई आ रहा है शायद। पीछे भालू है अपने, और भालू ने अपने अटैक कर दिया और हम नीचे गिर चुके हैं खाई से नीचे। आई थिंक अपने को चोट। ओके, तो हम ये रहे, हम बच गए। मुझे लगा था हम मर जाएंगे वहीं पे, लेकिन हमने सरवाइव कर लिया। और रात हो चुकी है बहुत, और हमें चोट भी लगी आई थिंक। ओके, तो इसे बहुत ठंड लग रही है, हमें ढूंढनी पड़ेगी कैंप फायर ऐसी जगह। और वहाँ पे फ्रोस्ट बाइट आ रहा है ऊपर टेम्परेचर, जहाँ पे हमें टेम्परेचर शो होगा। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आई गॉट टू फिगर आउट समथिंग, और हमें वहाँ चलना है। अभी हमें फाइंड अ हीट सोर्स करना है। और यहाँ पे एक डियर को मारा हुआ है। आई थिंक बियर ने मारा होगा उस डियर को। भाई उस बियर का ही खतरा है इस जंगल में, और किसी का तो खतरा नहीं लग रहा मुझे। और भी वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं आई थिंक इस जगह पे। ओके, अभी हमें उस जगह पे जाना है, तो चलते हैं उस जगह पे। और यहाँ पे केव टाइप कुछ है, तो हमें क्राउच होके उस केव से पार जाना है। ओके, व्हाट दैट। ओके, तो यहाँ पे कोई तो बंदा टंगा हुआ है, या फिर क्या ऊपर पैराशूट से वो बंदा टंगा हुआ है। एक सेकंड, मुझे पास जाके देखना। ओके, तो इस गेम में हमें सैनिटी का भी ध्यान रखना है। अगर सैनिटी लो होगी तो हमें बहुत सारे हेलुसिनेशन होंगे, और हमें बहुत तरह के जानवर या कुछ अलग अलग चीज़ें दिखती रहेगी, हेलुसिनेशन होगा वो हमारा। और यहाँ पे एक बंदा टंगा हुआ है, आई थिंक इसने पैराग्लाइडिंग या पैराशूट करने की कोशिश करी होगी नीचे, और ये पेड़ में अटक गया, और उसके पैर भी किसी ने खाए हुए आई थिंक भालू ने। और यहाँ पे बहुत सारे वुल्फ हैं, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सही एरिया नहीं लग रहा, मैं निकलता हूँ इस एरिया से, क्योंकि तो हमें इस तरफ जाना है। और पीछे बहुत सारे वुल्फ हैं, क्योंकि तो हम हीट सोर्स या फिर एक शेल्टर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत वुल्फ की आवाज़ें आ रही हैं, मेरे पीछे वुल्फ ना आ जाए भाई कोई। मुझे बहुत डर लग रहा है इस गेम में, ये हॉरर गेम में ऐसी फील दे रही है मुझे। और इंटेंस म्यूजिक भी चला दिया इन्होंने भाई, कहीं से बस बियर ना आ जाए। वुल्फ का अटैक तो फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन अगर भालू ने अटैक किया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे किसी की आवाज़ आ रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम। घर तो मुझे भी जाना है, लेकिन कैसे जाएंगे हम घर पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ पानी टाइप है यहाँ। ओके, आई थिंक ये हॉट स्प्रिंग है। हाँ, इस पे धुआं निकल रहा है। वार्म योरसेल्फ बाय द हॉट स्प्रिंग। तो ओके, तो हमें इस हॉट स्प्रिंग में कूदना है ताकि हमें गर्मी मिले। तो हम कूदते हैं इस हॉट स्प्रिंग में, दैट्स फील मच बेटर। ओके, तो हमें थोड़ी गर्मी मिली। ओ भाई, वुल्फ, तीन चार वुल्फ मेरे पीछे, और मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। भाई इन्होंने स्टार्टिंग में गेम के मुझे इंटेंस मोमेंट दे दिया, और मेरे पीछे वुल्फ आ रहे हैं क्या। ओ वुल्फ आ रहे हैं, वुल्फ नहीं, तीन चार वुल्फ आ रहे हैं। भाई भागना पड़ेगा, और मुझे कोई जगह भी नहीं दिख रही यहाँ पे भागने की। रन फॉर योर लाइफ, अपनी जान के लिए तो भागना ही पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे एक पेड़ है। ओके, और वहाँ पे ओ शिट, पेड़ पे चढ़ते हैं। पेड़ ही टूट गया भाई, ऐसी किस्मत है पेड़ ही टूट गया। लेकिन चलो, हम वुल्फ से तो बच ही गए। ओके, अपने पैर पे शायद चोट लग गई गिरने के चक्कर में, हेल्थ बार। ओके, तो ये अपना नीचे कॉर्नर में हेल्थ बार आ रहा है, और अपना हेल्थ बार कम हो चुका है क्योंकि हमें चोट लग चुकी है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, तो अपने एंकल में चोट आ चुकी है, मतलब मोच आ चुकी है अपनी एंकल में, ट्विस्टेड एंकल। और हमें ऊपर जाने को रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ से रास्ता है, हम यहाँ से जा सकते हैं ऊपर। चलते हैं यहाँ से हम ऊपर। और वुल्फ अभी भी, भाई वुल्फ अभी भी ऊपर है, एक दो तीन बस मेरा वेट कर रहे हैं। जैसे मैं ऊपर आऊँ ये मुझे खा डालेंगे एकदम। इन्वेस्टिगेट द हर्ट। हाँ, मैंने जब भाग रहा था मुझे यहाँ पे एक हर्ट देखी थी, हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना है। बस ये मेरा हेलुसिनेशन ना हो, एक हर्ट हो ज़रूरी। अगर वो नकली हुई, मतलब अगर वो हेलुसिनेशन होगी तो दिक्कत हो जाएगी। हर्ट कहाँ पे देख, ओ यहाँ पे क्या है, ये एक डियर और इसकी। ओके, तो हेलुसिनेशन था अपना, मुझे कोई ज़रूर एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये घर, ओके तो ये रहा घर। आई थिंक ये घर रियली है, हेलुसिनेशन होता तो यहाँ से हट ही जाता, क्योंकि हम इतने पास आ चुके हैं इस घर के। हम इन्वेस्टिगेट करना है इस घर में, क्या मिल जाए, क्या पता कोई लोग इस घर के अंदर रह रहे हों, हमें मदद कर दें वो। और यहाँ पे एक वेल भी है इस घर के बाहर, तो चलते हैं इस घर के अंदर। ई टू ओपन द शेल्टर, और बंद कर दो यार ये डोर। और यहाँ पे क्या पड़ा है, मेडकिट। ओके, तो हीलिंग के लिए मेडकिट मिल चुकी है हमें, तो किसी भले बंदे ने हमारे लिए मेडकिट छोड़ रखी है, तो हम मेडकिट लगा लेते हैं वो आई। ओके, इन्वेंट्री यूज़ करके हम लगा लेते हैं। सो हमने हील कर लिया है, और यहाँ पे बहुत कोल्ड लग रहा है अपने लिए। लेकिन यहाँ पे कैंप फायर है, ये कैंप फायर मैं जला सकता हूँ क्या। ओके, तो यहाँ पे वुड भी पड़ी है, इस वुड को हम उठा लेते हैं। और हमें इन्वेंट्री से पहले वुड निकाल लेता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं पता। और यहाँ पे प्लेस करनी है आई थिंक, हाँ
तो यहाँ पे हमने वुड प्लेस कर दिए और प्लेस, और इसे बंद करते हैं, लाइट अप करते हैं। शुक्र है अपने पास कोई चीज है जलाने के लिए आग, वरना दिक्कत हो जाती, हम जलाते रहते पता नहीं कैसे जलाते। और अब हमें थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि हमें थोड़ी गर्मी मिली है, -2 अपनी सैनिटी भी कम हो रही है और वो पर टेम्परेचर भी आ रहा है। अब अपना ऑब्जेक्टिव है गो टू स्लीप, चलो सोने चलते हैं। A few moments later. Okay, terrible night और सुबह हो चुके हैं। यहाँ पे और कोई चीज नहीं है कि जिसे मैं यूज कर सकूँ। यहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए चीज मिल जाती तो सही रहता। ऑब्जेक्टिव लॉस्ट एंड फाउंड, रिट्रीव योर गियर। ओके, जहाँ पे बंदा गिरा था, जिसपे इसे बियर का अटैक हुआ था, तो वहाँ पे इसके थोड़े गियर छूट गए, वो हमें लेने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं, बस वो भालू फिर से ना मिल जाए हमें। और वुल्फ तो अभी दिख नहीं रहे, वुल्फ तो आई थिंक वुल्फ होंगे नहीं अभी, लेकिन अगर वुल्फ आए तो भागना पड़ेगा कल की तरह, कल रात की तरह वुल्फ पे भागना पड़ेगा। और ये स्लिपरी ना हो, बस मैं गिर ना जाऊँ, एकदम स्लिपरी लग रहा है टाइप पूरा। ओके, तो स्लिपरी नहीं है, हम यहाँ पे भाग भी सकते हैं, ठीक है। ओके, हमें उस जगह पे जाना है और उस जगह पे शायद अपने गियर पड़े होंगे, हमें उन गियर को, हाँ हम ओके पत्थर गिर चुका है, हाँ इसी जगह से तो हम कल नीचे गिरे थे रात को। ओके, तो ये रहा अपना गियर। यहाँ पे क्या बड़ा है, इसे बॉटल है, आई थिंक ये बॉटल है, कैंटीन। ओके, तो हमें अपनी थर्स बुझाने के लिए ये बर्फ खानी पड़ेगी और ये बर्फ बहुत ठंडी रहेगी अपने लिए। क्या हम इस बर्फ को बॉइल नहीं कर सकते ताकि वो पानी बन सके? तो अभी हमें फाइंड अ वे टू योर बैकपैक। ओके, तो अपना बैकपैक कहीं और था क्या? ओके, मैं यहाँ पे स्टक हो चुका था, आई थिंक अपना बैकपैक किसी और जगह गिर गया। तो हम उस बैकपैक को भी ले आते हैं, अपने पास बॉटल है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है। अगर हमें स्नो को भी कलेक्ट करें तो पानी तो शायद आ ही जाए। ओके, तो हमें ऊपर चढ़ना है इस पेड़ पे, बस मुझे एक ही खतरा लग रहा है यहाँ पे, उस भालू का। अरे भालू के निशान पैरों के भाई, ये फुटमार्क्स उसे दिख रहे हैं। फॉलो द बियर ट्रैक्स। अबे हम क्यों कर रहे हैं फॉलो, वहाँ पे हमें भालू मिल जाएगा, हम खामा खा मार मार देगा वो हमें। ओके, तो बोला है तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और ये कहाँ किस जगह पे जा रहे हैं, बियर ट्रैक्स देखना पड़ेगा। आई थिंक किसी केव में ना जाए, अगर हम केव में गए तो बियर का सामना वहाँ पे हो सकता है हमारा। और वहाँ पे एक ब्रिज टाइप है, तो हमें ब्रिज के ऊपर चलते हैं। तो चलते हैं ब्रिज के ऊपर। ओके, तो मैं ज़्यादा स्प्रिंट भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी एनर्जी और स्टैमिना कम हो जाएगा। वो यहाँ पे तो ब्रिज टूटा हुआ है, तो प्रोबेबली रीच, ओ मैं ब्रिज से नीचे गिर गया। सो दोबारा से आ चुका हूँ मैं इस जगह, मुझे गेम फिर से खेलनी पड़ी। मेरी गेम वहीं पे लोड हुई थी जहाँ पे रात को हॉट स्प्रिंग के पास वो गेम लोड हुई थी, द एंड ट्रेल्स हेयर। अब मैं जाऊँगा ही नहीं इस पुल पे, अगर मैं गया तो मैं गिर जाऊँगा और मुझे कोई दूसरा भी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे एक जगह आ रही है, तो हम उस तरफ से जा सकते हैं। यहाँ पे तो मुझे कहीं बियर फुटप्रिंट्स नहीं दिख रहे अब, और वो भालू उस तरफ ही गया था, उस पुल की तरफ। ऑब्जेक्टिव अपडेटेड, और मुझे दो जगह जाना है, एक आय का निशान यहाँ पे आ रहा है अगर। ओके, तो ये हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग में तो जाने हमें, और यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है सामान। ओके, तो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, वॉलेट टाइप या क्या पड़ा है, देखते हैं क्या है ये। ओके, तो अनकुक्ड फूड पड़ा है, हमने फूड उठा लिया, इस फूड को हम खा लेते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। हमारे पास पानी की बॉटल थी, हम हॉट स्प्रिंग से पानी की बॉटल नहीं भर सकते क्या? अगर हम पानी की बॉटल हॉट स्प्रिंग से भर ले तो फ़ायदा होगा, क्योंकि हम बर्फ़ पता नहीं कब तक खा पाएंगे। डिहाइड्रेटेड, -50 एनर्जी। ओके, तो मुझे वो चीज़ खानी पड़ेगी पहले, एक सेकंड। और ये फूड कुक भी नहीं है, और ये फूड कुक करके मैं खा सकता हूँ। और अब मैं ऐसे जंप तो नहीं मारूंगा क्योंकि मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ ठीक है, ये जगह ठीक लग रही है। मेरा बैकपैक ये ऊपर था, और मुझे कोई और यहाँ से जंप मार सकता हूँ क्या? ओके, तो मैं जंप मार के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ से अपना बैकपैक ले लेते हैं पहले हम। ओके, तो मैंने अपना बैकपैक कलेक्ट कर लिया है, और अब मेरे पास 12 एक्स्ट्रा स्लॉट हो चुके हैं, मैं सारा सामान यहाँ पे डाल सकता हूँ। पहले मेरे पास 3 या 4 स्लॉट थे, लेकिन अब मेरे पास जो स्लॉट है वो बढ़ चुके हैं, और मैं ज़्यादा सामान कलेक्ट कर पाऊँगा इसमें। ओके, अब मुझे जाना है उधर, और आई थिंक ये अपना घर है क्या? मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ, क्योंकि आई थिंक वो अपना घर ही होगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लेम का आइकन आ रहा है, तो आई थिंक वो गर्मी के लिए होगा। वहाँ चलते हैं अपनी शेल्टर की तरफ। तो दोबारा से आ चुके हैं अपने शेल्टर पर, तो चलते हैं हम अंदर, क्योंकि इस शेल्टर से सेफ जगह कोई होगी नहीं। तो बंद करते हैं इस दरवाजे को, दरवाज़ा बंद हो जाए, हाँ ओके। तो दरवाज़ा बंद हो चुका है, हमें यहाँ पे फायर लगानी है, बट यहाँ पे वुड ही नहीं है, कल रात को भी एक ही वुड थी। और अब हमें पेड़ काटना पड़ेगा और लाना पड़ेगा भाई, और अपने पास एक्स तो है ही नहीं शायद, फाइंड टूल और कट अ ट्री। ओके, तो यहाँ पे एक्स पड़ी है, इस एक्स को उठा लेते हैं। शुक्र है एक्स मिल चुकी है, और अब हमें कोई भी पेड़ काट सकते हैं हम। ओके, तो हमें ट्रीज कट करने हैं ताकि हमें वुड मिले, ताकि हम फायर जला सके। ओके, तो मैंने एक्स हाथ में ले लिए, और अब मुझे ये वाला पेड़ भी काट सकता हूँ क्या मैं? ओके, तो हाँ मैं कोई भी पेड़ कट कर सकता हूँ। ओके, तो हमने ये पेड़ गिरा दिया, मुझे लगा था टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने वो ये पेड़ रोल 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 के कहाँ जा रहा है भाई।
नहीं रुक जा, ओके तो हमने इसे छोटे पीस में भी कट करना पड़ेगा शायद। ओके तो आई थिंक हमने कुछ ट्री बार इकट्ठे कर लिए, हेल्प करेगी हमें आग लगाने में। चलते हैं अपनी कैंप फायर की तरफ। और हमें यहाँ पे ट्री बार्क मिली है, हमें यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी इन्हें। हाँ फाइनली हमने फिर से आग जला ली। और अब मुझे लग रहा है वुड की तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, इतने सारा हमने पूरा एक पेड़ ही गिरा दिया है एक वुड के लिए। ओके तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें एक पानी का सोर्स फाइंड करना है, क्योंकि हम बर्फ़ तो कब तक ही खाएंगे। रीफिल कैंटीन। ओके तो रीफिल करनी पड़ेगी हमें कैंटीन, ये फिर से जलानी पड़ेगी। ओके तो हमें और मतलब मुझे और ट्री बार्क चाहिए ताकि मैं जला पाऊँ। जो मैंने बाग काटी थी वो कम पड़ गई, लेकिन मैं ना वहाँ पे मुझे पहले ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, मुझे पहले वाटर कलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं जाके जल्दी से वाटर कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं ज़्यादा स्प्रिंट भी नहीं कर सकता। ओके तो हमने वाटर बॉटल को क्विक स्लॉट में डाल दिया है ताकि हम इसे वाटर कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकें। और यहाँ पर बहुत पानी है तो हम इसे यूज़ करते हैं। ओके तो फाइनली हमें पानी का बढ़िया सा सोर्स मिल गया। लेकिन ये वाली लेक फ्रीज क्यों नहीं हुई? सारी लेक फ्रीज हो चुकी हैं, लेकिन और ये पानी मैं पी भी सकता हूँ। ओ मैंने गलती कर दी, मैंने गलत पानी पी लिया, मतलब ठंडा पानी पी लिया। मुझे फिर से पानी लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं पानी फिर से कलेक्ट करता हूँ और मुझे गर्म करके पानी पीना पड़ेगा। मैंने ठंडा ही पानी पी लिया और वहाँ से मेरा टेम्परेचर फ्रीजिंग हो रहा है। मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा अपने रूम की तरफ। आई हैव वाटर, आई हैव फूड, आई हैव रूफ ऑन माई हेड। हाँ तो अभी मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे एस्केप करना है इस जगह से, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा इस जगह पर। हाँ मैं थोड़े पेड़ भी काट लेता हूँ, क्योंकि पेड़ की थोड़ी कमी हो गई थी, ये पेड़ भी थोड़े कट कर लेता हूँ मैं। ओके तो मैंने पूरा पेड़ कट कर दिया और ये मैं लॉक इकट्ठी भी नहीं कर सकता। वुडन चंक्स कर लिए, इनको मैं चंक्स को उठा लेता हूँ, ये सारे चंक्स उठा लेता हूँ, क्योंकि बाद से मुझे बहुत कम टाइम के लिए फायर मिल रही है। इस डोर को बंद करो भाई पहले, अगर इस डोर को बंद नहीं किया तो भालू आराम से घर के अंदर आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर आग लगानी है, और आग लगाने के एक सेकेंड पहले मुझे फायर प्लेस करनी है। और फायर प्लेस करने के लिए वुड तो है ही मेरे पास अब, तो यहाँ पर लाइट अप कर देते हैं इसे। ओके तो मैंने फूड लाइट अप कर दिया। अभी यार इसने पानी फिर पी लिया, भाई पानी ऐसे नहीं पीना। ओके तो मैंने खाना यहाँ पे प्लेस कर दिया और पानी, तो मैं पानी प्लेस नहीं कर पाऊँगा। आई थिंक अपना खाना पक रहा है, हाँ ठीक है अपना खाना पक रहा है, और -2 की सैनिटी हो चुकी है। यहाँ पे मैगी वैगी मिल जाती तो सही रहता एकदम, पहाड़ों पर थोड़ी मैगी वैगी मिल जाती तो मैगी की फील आ जाती, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें यही खाना खाना पड़ेगा। ओके तो अपना फूड अच्छे से कुक हो चुका है, अब मैं इसे खा लेता हूँ। हमने अपना फूड खा लिया और ये टेस्टी था। इट्स टाइम टू रेस्ट। अबे अभी रात को सो के उठा था और ये फिर सो रहा है, भाई बहुत सोता है बंदा। ठीक है हमें रेस्ट करना है, हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। भालू की आवाज़ आ रही है बाहर, आई थिंक भालू मेरे घर के बाहर है। ओ भालू घर का दरवाज़ा तोड़ रहा है, वो अंदर ना आ जाए भाई। यार भालू ना अंदर आ जाए, मेरे पास कोई जगह भी नहीं है भागने की, मेरे को मार ही देगा वो एकदम से, मैं भाग भी नहीं सकता कहीं पे। और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं भाई, भालू की चलने की आवाज़ आ रही है इतनी तेज़, कितना मोटा। ओ भाई वो रहा भालू, विंडो से हमें देख रहा है। हाँ भाई डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक भालू चला गया। और यहाँ से मैं गैप से देख सकता हूँ ना, सही बात है हम ही मर जाते हैं अगर हम उस भालू को नहीं देखते। तो कह रहा था इस होल से जानवर अंदर आ सकते हैं, तो सबसे पहले हम इस होल को फिक्स करना पड़ेगा, तो जल्दी से हम इस होल को फिक्स कर देते हैं। हमारे पास शायद टूल्स तो हैं इस फिक्स करने के लिए। वो कोई बढ़िया सा बंदा अपना घर भी छोड़ गया, अपने सारे टूल्स भी छोड़ गया, तो हमें फिक्स करना पड़ेगा। ओके तो अभी हम क्राफ्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेट द ब्लड स्ट्रेन्स और मीट योर नेबर। आई थिंक अपने नेबर में भी लोग रहते हैं। यहाँ पे साइन आ रहा है 2 मीटर का, लेकिन इसके नीचे। ओके तो हम अंदर चलते हैं, पहले अंदर चलते हैं। ओके तो ये रही वर्क बेंच। ओके तो यहाँ से हम क्राफ्ट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो हमें वुडन प्लैंक क्रिएट करने हैं, तो हम क्राफ्ट करते हैं वुडन प्लैंक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके तो मैंने कुछ, मेरे पास वुडन चंक्स आ गए हैं, सारे चंक्स में उठा लेता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से काटे हैं चंक्स, मुझे बस उसी का डर लग रहा है भाई भालू ना आ जाए, क्योंकि वो अपने एरिया के पास ही घूम रहा है। और भालू अगर तो यहाँ पे है एक सीन, ब्लड सीन। आई थिंक भालू के पैर में थोड़ी चोट लग चुकी है। भालू के पैर में थोड़ी चोट लग चुकी है और यहाँ पे छोटे प्रिंस भी, आई थिंक उसका बच्चा भी होगा आई थिंक। तो चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे और क्राफ्ट कर लेते हैं अपनी लॉक्स को। ओके तो मैंने 12 लॉक्स बना लिया, अभी उसे लगानी पड़ेगी शायद, मैं लगा भी सकता हूँ या नहीं। फिक्स दी शेल्टर वॉल, पहले मुझे ये तो फिक्स कर लूँ मैं। ओके तो ये मैंने ऑलमोस्ट तो कवर कर दी, लेकिन इसने कैसे कवर करी मुझे पता ही नहीं, मेरे प्लैंक्स भी खर्च हो गए। और यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा इतनी दूर, इन्वेस्टिगेट द ब्लड स्ट्रेन्स। अब हमें इन्वेस्टिगेट करना है ब्लड स्ट्रेन्स, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगली बार जाऊँ इन्वेस्टिगेट करने। ओके तो अगली बार जाएंगे हम ब्लड स्टेन को इन्वेस्टिगेट करने,
अभी के लिए इतना ही, और हमें पैराशूट भी चाहिए, तो अगली बार करेंगे वो सारी चीज़ें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना था, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।